सीखेंगे आज मार्केट टूल के बारे में जानेंगे। क्या मतलब मार्केट टूल का यूज कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो मार्केट टूल में क्या होता है, देखिए ये होता है मार्केट टूल। यहाँ पर तो आ रहा होगा मार्केट टूल, रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, इलिप्टिकल मार्केट टूल, सिंगल रो मार्केट, सिंगल कॉलम मार्केट। तो ये जो रेक्टेंगुलर मार्केट टूल है ये इसके बारे में जानेंगे। ये तो रेक्टेंगुलर मार्केट टूल में क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक क्रसर है, मतलब प्लस क्रसर है, कर्सर है। ये कर्सर जो है इसका हम जब ड्रा करेंगे, क्लिक करके ड्रा करेंगे, या लेफ्ट क्लिक माउस में लेफ्ट क्लिक करके ड्रा करेंगे, तो ये कर्सर तो एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर जिस जिस तरह का हम करना चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं मार्केट टूल। ठीक है, तो ये मार्केट टूल हो गया। अब फिर माउस प्रोसेसर का अगर माउस क्लिक को अगर छोड़ देंगे तो ये सिलेक्शन हो गया। तो इसके ये तो सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये तो सिलेक्शन हुआ। तो हमको एक अगर चाहिए परफेक्ट स्क्वायर लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे परफेक्ट स्क्वायर? ये इसमें तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है, तो इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए पहले क्लिक करके लेफ्ट क्लिक ड्रैग करेंगे, ड्रैग करते टाइम शिफ्ट प्रेस करेंगे, शिफ्ट कीबोर्ड में शिफ्ट की प्रेस करेंगे, तो शिफ्ट की प्रेस करने से देखिए देखिए एग्जैक्ट स्क्वायर आता है, मतलब कुछ भी मतलब इधर उधर नहीं होगा, आपको जितना बड़ा स्क्वायर चाहिए उतना बड़ा स्क्वायर होता है, स्क्वायर आएगा परफेक्ट स्क्वायर, नहीं तो रेक्टेंगुलर आता है। ठीक है, तो एक मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए शिफ्ट प्रेस करने से परफेक्ट स्क्वायर आता है। अब ये तो स्क्वायर हुआ, नहीं तो स्क्वायर ये तो क्या स्क्वायर हुआ, स्क्वायर हुआ मतलब शिफ्ट कब छोड़ोगे ना, लाइक शिफ्ट प्रेस कर दिए, क्लिक छोड़ देंगे उसके बाद शिफ्ट छोड़ेंगे तो ये स्क्वायर होके रहेगा, नहीं तो क्या होगा, फिर पहले अगर शिफ्ट छोड़ देंगे तो कि तो बाद में ये मर्की टूल मतलब रेक्टेंगुलर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा।